हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी होने वाली है एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा मुंबई शहर। मुंबई शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली सल्तनत की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द डाला गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका समाजवादी शब्द। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रघुराम राजन ने। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रघुराम राजन ने लिखी है आई डू व्हाट आई डू। बहुत बार पूछा गया है तो याद कर लीजिएगा इसे, क्योंकि रिपीट होता रहता है तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हेगेन कल्लन जलप्रपात निर्मित करती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कावेरी नदी। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कावेरी नदी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है? यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला अल्कमरीज ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हवा द्वारा परागण के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमोफिली। एनीमोफिली सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एनीमोफिली। ठीक है, गलती से बोल दिया था, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा एनीमोफिली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा विस्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 21, आर्टिकल 21 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करती है? कौन सा हो जाएगा ये आपका? ये आपका हो जाएगा 102, अनुच्छेद 102 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्जित तीन ताज वाले राजाओं में से एक था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पल्लव राजवंश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पल्लव राजवंश जो था वो तीन ताज वाले राजाओं में से एक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धामेन स्तूप कहाँ पे स्थित है? बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप लोगों को पता हो तो। वैसे हम बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सारनाथ वाराणसी में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड के बारे में पता लगाने के लिए नासा मिशन ड्रैगन फ्लाई चलाने की योजना बना रहा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा टाइटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राजवंश को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है? किस राज्य में है? पहली सीटें कौन सी है? पहली सीटें तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे ज्यादा राज्यसभा में, और लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर हो जाता है इसका। तो
सही आप समझ आएगा थर्ड महाराष्ट्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में किया गया था? तो कौन सा बैंक हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा बैंक हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन में, तो आपको किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिल जा मिल सकता है, हो सकता है आपके शिफ्ट में रिपीट में। चलिए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, सेरिकल्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। बहुत बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक नंबर 2005 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस कवि ने प्रयाग प्रवस्थी की रचना संस्कृत में की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हरिसेन। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? जैन, जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सरल क्वेश्चन है ये, सबको पता होगा इसका आंसर। चलिए ये जो है कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आप लोगों के वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।